रिलीज से पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को कर दिया गया है इन दो कंट्रीज में बैन। आखिर क्यों, क्या है पूरी वजह, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। कल यानी कि 3 जून को रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों में बस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी आ रही हैं। आपको बताना चाहूंगी कि पहले करणी सेना ने टाइटल पर आपत्ति जताई कि ये टाइटल नहीं, बदल दिया जाए इस टाइटल को। पहले पृथ्वीराज था, अब सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस फिल्म को 2 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है, एक तो ओमान और दूसरा कुवैत। आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है मेकर्स को, क्योंकि इन दो कंट्रीज में जो भारतीय हैं उनकी अच्छी खासी गिनती है, लेकिन अब बैन होने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है मेकर्स को। और एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि अक्षय कुमार की ट्रोलिंग भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था हाल ही में, उन्होंने बयान दिया था, ये कहा था कि ये जो पृथ्वीराज चौहान हमारे जो राजा महाराजा हैं, हम उनको लेकर हमारे इतिहास में हिस्ट्री की जो बुक है उसमें प्रॉपर तरीके से चैप्टर नहीं है जो कि होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई, और सभी का ये कहना है ये NCERT की हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ी है अक्षय कुमार ने, लगता है जो कि क्लास 7th की है उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर एक चैप्टर है पृथ्वीराज चौहान को लेकर। तो इस वजह से ट्रोलिंग हो रही है जो कि अच्छी बात नहीं है। और आपको बताना चाहूँगी कि एक क्लोज सोर्स ने ये भी खुलासा किया है, उन्होंने कुछ बातें कही है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के जीवन और बहादुरी पर बनी फिल्म को कुवैत और ओमान जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में बैन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि न देशों न फिल्म की रिलीज के रन अप में ये फैसला लिया गया है, और आगे कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज का जीवन इस बात का सबूत है कि भारतीयों ने हमेशा जो सही है उसके लिए आवाज़ उठाई, और देश पर हमला कर रहे आक्रांतियों से देश की रक्षा की, जो केवल लूटपाट और हत्या करना चाहते थे, उनकी जीवन गाथा पर बैन लगाना इस बात पर सवाल उठाता है कि लोग इतिहास की तरफ क्यों नहीं देख सकते, और भारतीयों और हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। ये एक कहीं ना कहीं बात सामने आई है सूत्र के हवाले से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में, और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है ये बताना ना भूलिए, और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।